जय महाराष्ट्र। मित्रांनो, राहू शकता कृषी कृपा युट्यूब चॅनलवर तुमचं परत एकदा स्वागत करतो। मित्रांनो, पीडीएफमध्ये आहोत आपण, तर पीडीएफमध्ये वेगवेगळ्या कंपनीचे स्टॉल लागलेले आहेत आणि विश्वकर्मा कंपनीचा हा स्टॉल आहे मित्रांनो। आणि टेक्नॉलॉजीच्या बाबतीत पंजाबचा हात कोणी धरू नाही शकत मित्रांनो, कारण की वेगवेगळ्या पद्धतीच्या टेक्नॉलॉजी यांनी यूज केलेल्या आहेत मित्रांनो डेअरी फार्मिंग रिलेटेड। आता विश्वकर्मा जो स्टॉल आहे मित्रांनो, विश्वकर्मा जी कंपनी आहे, तर डेअरी फार्मिंगमध्ये जे प्रोडक्ट यूज होता ते प्रोडक्ट बनवते। तर पूर्णपणे मित्रांनो हे पाहू शकता तुम्ही, याच्यामध्ये तुम्ही गोबर जो आहे तो कलेक्ट करू शकता। त्याच्यानंतर छोटं मशीन आहे मित्रांनो आज, तर खूप सारे असे प्रोडक्ट आहे मित्रांनो। तर त्यामधले मित्रांनो मला सगळ्यात जास्त जे आवडलं प्रोडक्ट ते आहे, हे प्रोडक्ट पाहू शकता मित्रांनो। मशीन जे आहे ते हे शेणापासून पाणी वेगळं करतं आणि शेणापासून मित्रांनो ब्लॉक बनवतं, जे ब्लॉक तुम्ही मित्रांनो मार्केटमध्ये विकू शकता। जेणेकरून तुम्ही जर घरी तुमची शेती असेल, गोठा असेल, ते मशीन घेऊन तुम्ही ब्लॉकेज बनवू शकता, शेणाचे ब्लॉक बनवू शकता आणि विकू शकता मित्रांनो मार्केटमध्ये, रोजगारही कमवू शकता आणि कमाईचं साधन आहे मित्रांनो, पाहू शकता तुम्ही। आणि विशेष म्हणजे जर लाकडाचं उत्पादन असं, लाकूड जास्त मार्केटमध्ये मिळत नाही काही जाळण्यासाठी, तर तुम्ही शेणाचे ब्लॉक बनवून ते सुद्धा तुम्ही विकू शकता, जाळण्याकरता उपयोग करू शकता मित्रांनो आपण। तर मित्रांनो पूर्णपणे आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये डिटेल पाहणार आहोत या मशीनची। मित्रांनो आपल्यासोबत राजवीर आहे विश्वकर्मा डेअरी फार्म प्रोडक्ट मधून, तर राजवीर आपल्याला पूर्णपणे डिटेल देणार आहे, हिंदीतून देणार आहे, ऍक्च्युली पंजाबी बोलतो तो आपल्याला हिंदी मध्ये इन्फॉर्मेशन देणार आहे। तर राजवीर तुम्हारा स्वागत आहे हमारे चॅनल पे, ठीक आहे। राजवीर तुम्हारा एक बार इंट्रोडक्शन देना हमारे दर्शकों को, और अपनी कंपनी कहाँ पे, कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है, कौन कौन से प्रोडक्ट में डील करती है, वो एक बार फिर हम प्रोडक्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। जो हमारी कंपनी है ये है विश्वकर्मा डेयरी प्रोडक्ट्स, ये बागा पुराने में नज़दीक मोगा के नज़दीक पड़ती है 17 किलोमीटर। तो ये हम सारे डेयरी फार्मिंग का जो प्रोडक्ट्स होते हैं सब में डील करते हैं, कोई भी चीज़ नहीं है जो हमारे पास नहीं है ना। लाइक कौन कौन से प्रोडक्ट है आपके पास? A to Z हम, जैसे ये प्रोडक्ट ही ले लीजिए आप, और जो ये गोबर आता है ये उसका सूखा पाउडर बना के अलग निकाल देती है, और उसका जो गीला पानी निकलता है वो अलग निकाल देती है। तो ये प्रोडक्ट आ गया, उस सूखे पाउडर को ये लकड़ी बना देती है। अच्छा, ये लकड़ी बना दी है सूखे पाउडर, जैसे लकड़ी जैसे सॉलिड बना देती है। हम प्रोडक्ट के पास जाके हम एक बार देखेंगे, ठीक है। हम प्रोडक्ट के पास जाएंगे, कहाँ से मतलब स्टार्ट करेंगे सामने वाली? सो ये इसके पाइप है, ओके, ठीक है, यहाँ से पानी निकलता है, यहाँ से पानी निकलता है। ये चीज है, यहाँ से सूखा पाउडर निकलता है। अच्छा, यहाँ से? हाँ, ये सूखा पाउडर यहाँ से कलेक्ट करके आपने इसके बीच में डाल देना है, ठीक है, कलेक्ट करके इसके बीच में डाल देना है। हमें इसके बीच में डाल देना है, तो ये प्रेशर लगा है, इसको प्रेस कर देता है, ठीक है, और यहाँ से ये बना देता है, यहाँ से वो ब्लॉक आ जाते हैं। हाँ, अगर इसमें सूखा पाउडर गोबर डालोगे तो सूखा बनाएगा, अगर गीला डालोगे तो उसको सुखाना पड़ेगा, गीला आएगा बाहर तो उसको सुखाना पड़ेगा। हाँ, उसको सुखाना पड़ेगा। तो इसमें इसमें ये फर्क है, इसमें प्रेशर लगा है ऊपर से, प्रेस खुद करता है। अच्छा, और इसमें करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, हाथों से करना पड़ता है इसमें? कोई भी चीज ले लीजिए, मैनुअली करना इसको करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक है। वो ऑटोमेटिक है इसका। हाँ, ये एक बार वो उस मशीन के बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे प्रेक्षकों को, तो आसान रहेगा कि वर्क कैसे करता है, लाइट पे करता है, किसके काम करता है। ये इसमें 3 फेज की मोटर लगी है, 3 फेज की मोटर है इसके। हाँ, जैसे 5 से 7 क्विंटल इसने निकाल सकता है आराम से, 5 से 7 क्विंटल निकाल सकता है। कितने देर में? घंटे में। 1 घंटे में 5 से 7 क्विंटल गोबर निकाल सकता है। ओके, कहाँ से लेता, कहाँ से गोबर है? गोबर ये यहाँ ये पाइप से, ये पाइप से मतलब यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। हाँ, ये खींच लेता है क्या? सक्शन कर लेता है क्या? सक्शन कर लेता है। तो 3 फेज की सीमेंट मोटर है, पाहू शकता मित्रांनो। ये क्या है, कॉम्प्रेसर है क्या, वैक्यूम? हाँ, ये गेयर होता है इसका। अच्छा, गेयर है। ओके, तर मित्रांनो इथं पाईप लावल्यानंतर इथून सक्शन करू, गोबर जो आहे तो शेण आहे ते सक्शन होतं, इथं आतमध्ये जातं आणि याच्या इनमें इसका जो पानी है यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल। ओके, पाइप सक्शन कर लिए और यहाँ से आउटलेट है, आउटलेट से पानी आता है। हाँ जी। तो उसके बाद क्या होता है प्रोसेस? बस वही आपको बताया, वही प्रोसेस। अच्छा, और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर, इसके अंदर जाली लगी है, जाली लगी है। हाँ, जो इसका मेन चीज है। अब हम जब भी किसी को सेल करते हैं उसको कहते हैं भाई जाली का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि इसकी जो जाली होती है वो ज्यादातर आसानी से नहीं मिलती, चाइना से मंगानी पड़ती है, चाइना से मंगानी पड़ती है। हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। अगर मान लीजिए स्पेयर अगर लगते हैं कस्टमर को, मेंटेनेंस वगैरह ये सब मतलब क्या होगा, मेंटेनेंस क्या है इसमें? देखो, मोटर तो नॉर्मली जहाँ से मर्जी रिपेयर कराओ, जो जाली है वो यहाँ से नहीं मिलनी, क्योंकि हमारे पास जब हमने पहली बार परचेज की थी हमारी जाली खराब हुई थी, तो जाली यहाँ से नहीं मिली,
अच्छा। वो कहते सारी मशीन को बाय करना, फिर हमने चाइना कॉन्टेक्ट किया, चाइना से वो जाली का सारा मंगवाया स्टॉक हमने। अच्छा, तो भी तुम खुद ही बनाते हो अपने आप, मतलब जाली अगर स्पेयर पार्ट लगे कस्टमर को तो तुम ही बेच सकते हो? हम प्रोवाइड कर सकते। तो जो मशीन है ब्लॉक बनाती है उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट लगे हुए हैं? मेंटेनेंस वाला काम है या इसमें क्या है? इसमें ज्यादा नहीं होता। तो इसमें क्या ज्यादा? ये जो बेल्टें होगी वो हो जाता है। ओके, इसमें बेल्ट लगी है, बेल्ट लगी है यहाँ पे। हाँ जी। और यहाँ पे लोडर है? लोडर। ओके, मोटर नीचे लगी है क्या? हाँ जी, मोटर नीचे होती है। ओके, इसमें नीचे कितने एचपी की मोटर है? वो भी 3 की। 3 HP की मोटर है। ओके, 3 HP की मोटर सिंगल फेज पे चल सकती है ना वो? हाँ, दोनों भी सिंगल फेज अलग लगेगी, अलग 3 की है। Okay. वो जैसे कस्टमर चाहे उसके। ओके, तो इसमें कितने घंटे में कितना ब्लॉक निकालते हैं, कितना है, क्या है इसका आउटपुट? क्या है आउटपुट? जैसे जैसे डाली जाओगे उसके साथ ही निकलता जाए, साथ ही निकलता जाए, साथ ही निकलता जाए, एक साथ निकल जाए, एक साथ। ओके, अगर कॉस्ट की बात की जाए तो ये पूरा सेटअप की कॉस्ट कितनी आती है, क्या प्राइस है? ये 2,40,000। 2,40,000? 2,40,000 की प्राइस है खाली एक मशीन के? उसकी नहीं, इसका खाली एक मशीन की। हाँ, उसका 65,000, इसका 65,000, इसके आगे वाला 50,000, उसके आगे वाला 65,000। अब मान लीजिए यहाँ से गोबर जो है इकट्ठा करना है, ठीक हाँ। है, और उसमें डालना है। अगर मान लीजिए कस्टमर को ये मशीन नहीं चाहिए, खाली गोबर है उसके पास, वो भी डाल सकते हैं? डाल सकता है। अच्छा, तो 65,000 की मशीन है। तर मित्रों, पाहू शकता तुम्ही मशीन मेंटेनन्स काही नाही, 3 पेजची मोटर आहे बघ, त्याच्यामध्ये सपोज तुम्हाला शेणामधलं जर पाणी वेगळं करायचं नसेल तर तुम्ही हे मशीन घेऊ शकता, याच्यामध्ये डायरेक्शन तुम्ही याच्यामध्ये टाकून ब्लॉक काढू शकता। मित्रांनो, गिला गोबर भी डालेंगे तो उसको सुखाना पडेगा बाद में। ओके, राजवीर एक बात बता, अगर कस्टमर को अगर लगती है, मतलब इंडिया से कहीं भी, मतलब महाराष्ट्र में अगर किसी कस्टमर को लगती है मशीन, तो कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं? हमारा नंबर दिया हुआ है 9814683604, और दूसरा, इन दोनों पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। मित्रांनो, मशीन जर पाहिजे असेल तर हा नंबर दिला विश्वकर्मा डेअरी प्रोडक्ट, हा नंबर आहे, या नंबरवरती कॉल करा, आप डिलिव्हरी भेज सकते कहीं भी, कहीं भी। और मान लीजिए कहीं कस्टमर को अगर कुछ तकलीफ हो जाए, कोई अड़चन आ जाए, तो मतलब क्या सर्विस रहेगी आपकी, कैसी सर्विस रहेगी आपकी? पूरी अच्छी रहेगी। मतलब आप खुद जाएंगे या क्या फोन पे? आप नहीं, फोन पे हम इतनी दूर जाना, हम कस्टमर पता नहीं कहाँ बैठा होगा। अच्छा, हाँ, वो उसको पूछेंगे भी कौन से पार्ट की जरूरत है, कौन से पार्ट की जरूरत है। ज्यादा तो इसमें सर्विस का झमेला नहीं जाता? नहीं, ज्यादा कुछ नहीं। ओके, तो मित्रों मशीन पाऊ सकता, इस मशीन का नाम क्या है? शुरुआत में पूछना भूल गया, मशीन का नाम क्या आता है इसका? वैसे तो कुछ रखा नहीं है, वैसे पंजाब का ही, आपका ही प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट। ओके, तो मित्रों शेणापासून ब्लॉक तयार करण्यासाठी तर हे मशीन यूज होतं, तर तुम्ही घेऊ शकता, कॉन्टॅक्ट नंबर दिलेला आहे खाली, कॉल करू शकता मित्रांनो। तर हे तुम्हाला विश्वकर्मा डेअरी प्रोडक्ट या कंपनीमध्ये मिळेल पंजाबमध्ये। मित्रांनो, पंजाबची टेक्नॉलॉजी तुम्हाला माहीत असेल, शेती शेतकरी किंवा शेती क्षेत्रामधील सर्वात जास्त टेक्नॉलॉजी असेल पंजाबमध्ये असेल, तर खूप सारे टेक्नॉलॉजी त्यांनी बनवले आहेत मित्रांनो।